नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। नोवेल गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया की दो शक्तियां भारत और चाइना, आज दोनों में तीखी तकरार है। डोकलाम विवाद से ही भारत में बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, यानी स्वदेशी अपनाओ और चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो अभियान शुरू हो चुका था। आग में घी का काम किया है गलवान मुद्दे ने, जहां पे हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, उसके बाद चाइना का बहिष्कार बहुत जरूरी है। आज देश में देशभक्ति की लहर दौड़ चुकी है। नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी अब बैन हो चुकी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाइनीज कंपनी उस पर अब काम नहीं कर सकती। इंडिया के उस स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी प्रोजेक्ट्स थे या इसके इक्विपमेंट्स जो उपभोक्ता के घरों से लेके और बिजली आपूर्ति तक में काम आते थे, उनका भी आज पुरजोर विरोध हो रहा है, बहिष्कार हुआ है। बहुत सी राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है और उसी के चलते आज कई प्रोजेक्ट्स चाइना से वापस छीन लिए गए हैं। और ये उसके मुंह पे तमाचा है कि तुम अगर भारत की पावर को नहीं पहचानोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि भारत सहनीय है लेकिन शक्तिशाली भी है। आर्थिक मोर्चे पे आज चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है, और क्यों ना लगे, चाइना वो ड्रैगन है जो भारत की पीठ में हमेशा छुरा घोंपता है। सोलर प्रोजेक्ट में भी चाइना की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन वहां भी उसको झटका लग चुका है। कुछ राज्य सरकारों ने कंस्ट्रक्शन में चाइनीज कंपनी को टोटली बैन कर दिया है। अब वो फ्लाईओवर या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में भागीदारी नहीं कर पाएगी। ये चाइनीज कंपनी को टोटल बैन कर दिया गया है और उनके मुंह पे तमाचा है। दोस्तों, इसका असर चाइना के भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी पैदा होगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत एक विकासशील देश है, जहां पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत मांग है। अगला फैसला गवर्नमेंट ने किया है ई कॉमर्स कंपनीज पर। भारत में बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन हुई या फ्लिपकार्ट, उनको हर प्रोडक्ट पे अब ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कौन से देश का है। जी हां, ओरिजिन कंट्री पे अब पैकेट पे मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी चीज को सेल आउट कर सकते हो और उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हो। यह बहुत बड़ा फैसला है, इससे यह पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस देश से आ रहे हैं और हम कितने आत्मनिर्भर हैं, हमें कहां काम करना है। दोस्तों, 59 चाइनीज एप्स जो कि टोटली बैन हो चुके हैं, यह गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला है और डिजिटल मार्केट पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है। करोड़ों डॉलर्स हर महीने चाइना में ट्रांसफर हो रहे थे और हमें क्या मिल रहा था, हमारी सेफ्टी से खिलवाड़ हो रहा था। इंडियन यूजर्स का डेटा चाइना सरकार को पहुंचाया जा रहा था। एक तरह से कहें तो ये कंपनियां जासूसी का काम कर रही थी भारत में। भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा है और बताया है कि हम हमारी संप्रभुता सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले को यहां पे अलाउ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको टोटली हम बैन कर रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है और अपने देशभक्ति को दिल में रखकर इन एप्स को स्वतः ही अनइंस्टॉल कर दिया है। इन एप्लीकेशंस में मुख्य एप्लीकेशंस टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर जैसे बड़े एप्लीकेशंस हैं जो करोड़ों की तादाद में यहां पे इंस्टॉल्ड थे और भारतीय लोगों द्वारा यूज किए जा रहे थे। चाइना के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि भारत की भूमि विदेशी निवेश के लिए खतरा पैदा कर रही है, लेकिन सर हम बात बता दें आपको एक कि हम हमारी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। आपने हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दुहाई दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को
करना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है और उसका अधिकार है। आप WTO में भारत को चैलेंज नहीं कर सकते। इन एप्लीकेशंस में मुख्य एप्लीकेशन है TikTok, जो कि अगर आप अब अपने मोबाइल पे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें लिखा है साफ शब्दों में, डियर यूजर्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 एप्स, एंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल आवर यूजर्स इन इंडिया रिमेन्स आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो देखिए कितना भोला बन रहा है ये TikTok। हालांकि TikTok ने कहा है कि हमें गवर्नमेंट के रूल्स मानने हैं। यहां पे अगर हम TikTok, Instagram और Snapchat का कंपैरिजन देखें तो 2016 से 2018 के बीच में 500 मिलियन यूजर्स TikTok के हो चुके थे। इसका मतलब है 50 करोड़ लोग TikTok यूज करते थे भारत में। अगर हम Instagram, Snapchat की बात करें तो वो 2014 से पहले आ चुके थे। Instagram के आगे जो है वो बिलियंस के अंदर है, मतलब 100 करोड़ लोग आज इसको यूज करते हैं। स्नैपचैट का भी ऐसा ही हाल है, लगभग 250 मिलियन लोग स्नैपचैट इस ग्राफ में। फैब टू मार्च इंक्रीमेंट है एप्लीकेशंस के, जिसमें TikTok, YouTube और Facebook है। इससे आप अंदाजा लगा लिए कि TikTok की कितने लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज उनका क्या है। YouTube का केवल 12% है, Facebook का 60% है और सबसे ज्यादा TikTok 47% यूजर्स यहाँ पे बढ़े हैं TikTok के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि TikTok कितना फेमस एप्लीकेशन था इंडिया में। इसकी अगर हम कमाई की बात करें तो जुलाई 19 में $12 मिलियन बहुत फेमस है। इन कंट्रीज में है इंडिया, पाकिस्तान, US, रशिया, वियतनाम, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट। इन सब देशों में इंडिया में जो यूजर्स है जो TikTok पे अपने कीमती घंटे बिताते हैं उनमें 750 मिलियन आवर्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग इसको यूज करते थे, किस फ्रिक्वेंसी में यूज करते थे और चाइना को कितना बड़ा फायदा मुनाफा यहाँ से होता था और वो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से बटोर कर चाइना को देते थे और हमारी संप्रभुता और सिक्योरिटी से खिलवाड़ करते थे। हमें पता भी नहीं होता हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन वहां तक पहुंच चुके होते या हमारी कोई भी चीज या कोई भी डेटा प्राइवेसी जो है हमारी वो वहां तक लीक हो सकती है। दोस्तों इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ऐप स्टोर और गूगल प्ले से इंस्टॉल होने वाले एप्लीकेशन है उसमें नंबर 1 व्हाट्सएप, मैसेंजर, फिर फेसबुक और फिर TikTok है। TikTok 2016 से बाद में 2-3 सालों के अंदर उसने ये कमाल कर दिया है और फेम पाने में बहुत ही जल्दी ऊपर उसका ग्राफ बढ़ा है। तो दोस्तों यह है TikTok की पहचान। दोस्तों कुछ हमारे फेमस टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपने हुनर के दम पे फेम भी पाया है और पैसा भी कमाया है, लेकिन आज अपने देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के कारण उन्होंने भी TikTok का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है और बोला है कि ये सही कदम है। आइए दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें फेमस टिकटॉकर जन्नत क्या कहते हैं। So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. तो देखा दोस्तों जन्नत ने क्या कहा, जबकि वो लाखों रुपए महीने के कमा रही थी, लेकिन उनको पता है कि भारत की सुरक्षा से बड़ा कोई सवाल नहीं, देशभक्ति, देश सेवा से बड़ा कोई वो नहीं जज्बा, क्योंकि अगर ये अजगर हमें ही निकल गया तो हम उस कमाई का क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है जिसका रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, जो चाइनीज एप्लीकेशंस है उनका पूर्णतया बहिष्कार हो चुका है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन का क्या यूज है और कहाँ पर उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी चाइना में बन रही है जबकि वो कुछ भारतीय कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पे हमें सबक लेना होगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेगी, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।